हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ सेट पे दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। हालांकि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और दोनों को मिला के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये चीजें हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो उसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब अगर ए यूनियन बी करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के इक्वल होंगे। पर ये कब होंगे? जब ए और बी जो सेट होगा वो आपका डिसजॉइंट सेट होगा। मतलब ए और बी में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। या आप बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट करते हैं। तो इस केस में जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा वो दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। उसी तरह अगर तीन सेट है और तीनों का यूनियन पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर आप पता कर रहे हैं, तो उसी तरह तीनों सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो उतने ही एलिमेंट तीनों को यूनियन करने पे भी उसमें होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, सेम यही फॉर्मूला यहां पर भी है, पर यहां पर ये है जब ए आर बी डिसजॉइंट नहीं है, मतलब ए आर बी सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो उस केस में अगर ए आर बी डिसजॉइंट नहीं है तो उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि आपको पता है जब हम यूनियन करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको एक ही बार लिखते हैं, तो इसलिए क्या होगा कि जो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस कर देंगे जो भी कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि इन दोनों में जो दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो दोनों के कॉमन एलिमेंट आपके ऐड हो जा रहे हैं, तो इसीलिए इसमें से जो एक कॉमन एलिमेंट होगा वो हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह अगर तीन सेट है और तीन सेट के यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर वो आपको पता करना है तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, फिर वो सभी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट आपको माइनस करने पड़ेंगे जो पेयर वाइज कॉमन है। जैसे ए आर बी में ए आर बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, बी आर सी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सी आर ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये सभी के सभी माइनस हो जाएंगे और तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे कॉमन वालों को माइनस कर दिया। तो इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों में कॉमन होंगे तो वो आपको प्लस करना है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा आप सोच रहे हैं, जैसे अब आपको बोला जाए कि आप इतने टीचर्स का नाम बताइए, नंबर ऑफ टीचर्स का नाम बताइए जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों पढ़ाते हैं। अब यहां पर है जो फिजिक्स जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केवल नहीं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं और जो तीनों पढ़ाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको निकालना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं तो वहां इस तरह के फॉर्मूला आपके यूज होंगे। उसके बाद आता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ए इंटरसेक्शन कोई दो सेट ए बी है और ए को अगर बी डैश मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कितने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और माइनस दोनों में जो कॉमन है, मतलब ए में जितने एलिमेंट है उसमें से जितने एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो आप सोच रहे होंगे इसके एप्लीकेशन जो है क्या है। तो यहां अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं और कितने लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और कितने लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्यों कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप इसको क्रिकेट का डिनोट कर रहा है सेट ए और फुटबॉल खेलने वालों को डिनोट कर रहा है सेट बी, तो उस केस में आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना पड़ेगा। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से हमको माइनस कर देना पड़ेगा जो दोनों सेट में कॉमन है। उसी तरह अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं और आपको डायरेक्ट आपको कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि ए सेट में ए में कितने एलिमेंट है या सेट बी में कितने एलिमेंट है, और कुछ इस तरीके से आपका वैल्यू दिया हुआ है कि
कि सेट ए और सेट बी के कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं, इसमें इतने इतने इतने, तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डेज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेज इंटरसेक्शन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है उस पे आते हैं। यहां पर ये जो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए और बी के जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो बी और ए के भी क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके बराबर होंगे। और जब आप ए सेट और बी सेट को क्रॉस करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आएंगे वो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। मतलब ए सेट में अगर दो एलिमेंट है और बी सेट में अगर तीन एलिमेंट है, दो एलिमेंट और बी सेट में अगर तीन एलिमेंट है तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने पे छह एलिमेंट आएंगे। उसी तरह अगर तीन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है तो तीनों के मल्टीप्लाई पे जो रिजल्ट आएगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट आपके ए क्रॉस बी क्रॉस सी पे होगा। और उसी तरह अगर ए को ए से ही क्रॉस करेंगे, मतलब एक सेट को उसके उसको खुद से ही अगर क्रॉस करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर तीन एलिमेंट है ए में और अगर उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकलेंगे ए क्रॉस ए में वो नाइन निकलेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको शॉर्टकट या किसी भी प्रॉब्लम को सेट थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम को शॉर्टकट में सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, या आप बोल सकते हैं कम समय में सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।